साहब माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। फिर से लौटे नए बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तो जी हाँ गाइस, आज के ब्लॉग में आज आपका भाई आपको KTM RC 200 जो कि न्यू मॉडल आई हुई है उसका पूरा ब्रांड न्यू है जो उस पूरा रिव्यू दिखाएगा, आपका ऑनरशिप रिव्यू देगा पूरा। देखते रहिए वीडियो को पूरा बिना स्किप किए। वीडियो में बहुत जानकारी मिलने वाली है बाइक के बारे में, सब कुछ आपको बताएगा क्या क्या चीज़ें इसमें, क्या क्या पहले से डिफरेंस आया बाइक में, क्या क्या नई चीज़ आई इसमें, तो पूरा सब कुछ आज दिखाने वाला है वीडियो का। तो देखते रहिए वीडियो को बिना स्किप किए। सो गाइस, ये हैं इस बाइक के ऑनर भाई। अपना नाम बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए। माय नेम इज मोहम्मद फजले हक। फजले हक, तो फजल हक बताइए आपको, आपको कितना टाइम हो गया आपको लाए हुए? मुझे लाए हुए आज पाँचवा दिन। पाँचवा दिन है अभी? अच्छा, मतलब ब्रांड न्यू है, ज़्यादा पुरानी नहीं, पाँचवा ही दिन हुए, सिर्फ पाँच दिन हुए तो ब्रांड न्यू है। तो क्या माइलेज वाइलेज क्या है, कैसा है इसका? माइलेज इसका 30 का भी दे रहा है। 30 का दे रही है? अच्छा अच्छा, अभी सर्विस तो 5 ही दिन अभी सर्विस तो भी नहीं है। 1000 पे सर्विस होगी, 600 चल चुकी है। 600 चल चुकी है, सही है भाई, काफ़ी चला ली 5 दिन में। और क्या मतलब ब्रेक ब्रेक्स में क्या कैसी है, क्या सब? सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया मस्त चल रही है। अच्छा, और कम्फर्टेबल के मामले में बाइक? तो हम तो कम्फर्टेबल बैठते हैं, एक ही आदमी बैठ पाता है, तीन बैठाते हैं तो बाइक। अच्छा, दो ही लोग हैं, दो ही लोग ठीक भी हैं दो लोग के लिए। अच्छा अच्छा, बाकी आपको लुक कैसा लगा इस बाइक का पूरा? बहुत VIP लगा, तभी मैंने ली है। अच्छा अच्छा, एंड कॉस्ट कितनी पड़ी आपको इस बाइक की पूरी? 2,52,000। 2,52,000। अच्छा, 2,52,000 बाइक को पड़ी है इसकी कॉस्ट। कॉस्ट भी सही है ज़्यादा बाइक के हिसाब से, जिस बाइक का लुक देखा जाए जिस टाइप में है। 200 CC 2 CT है ना? 200 CC, चलो 200 CC। प्राइस भी काफ़ी सही है, ज़्यादा हाई नहीं, प्राइस भी बाइक को देखते हुए काफ़ी सही है। वो जो न्यू, एक तो न्यू मॉडल है तो और भी सही है। इसमें आपकी जो जो इसकी जो फ्यूल टैंक दिया गया कितने लीटर का है? 13 लीटर का फ्यूल टैंक। अच्छा, और मतलब सबसे अच्छी चीज़ आपको बाइक में क्या लगी? मुझे सबसे अच्छी चीज़ चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है काफ़ी? अच्छा अच्छा, मतलब ये और कौन सी चीज़ है जो मतलब और बाइक में और इसमें आपको डिफरेंस लगा? मुझे और बाइक कोई पसंद ही नहीं, KTM के अलावा मुझे कोई बाइक भी नहीं। अच्छा अच्छा, पसंद मतलब पसंद यही पसंद है। हमारे घर पे बाइक है पर घर वालों ने मना भी काफ़ी किया, पर मैंने KTM ली। चलो बढ़िया, जो पसंद में वही लेना चाहिए, सही है। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले इसके फ्रंट लुक से। तो पहले फ्रंट लुक के बारे में आपको बताएंगे। सो गाइस, फ्रंट लुक में आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं जो कि देखने में काफ़ी शानदार लुक दे रहे हैं बाइक के फ्रंट लुक को। और उसके साथ ही साथ में आपको यहाँ पे LED हेडलाइट भी देखने को मिल जाती है बीच में वाइट कलर की, ये देखिए। एंड गाइस, अब बात करते हैं इनके सस्पेंशन की जो इसमें दिए गए हुए हैं, तो आपको बता दें इसमें आपको WPA के USB सस्पेंशन दिए गए हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेस्ट होती है और इस बाइक के लिए काफ़ी बेस्ट भी हैं ये सस्पेंशन। एंड गाइस, बात करेंगे इनके अलॉय व्हील्स की जिसमें दिए गए हैं फ्रंट टायर में, तो पिछले मॉडल को देखते हुए लाइट वेट में दिए गए हैं, क्योंकि गाइस जितनी ही बाइक का वेट लाइट होगा, हल्की होगी, उतनी बाइक ज़्यादा बेस्ट होगी, उतनी बढ़िया होगी। एंड गाइस, अब आते हैं इनके फ्रंट टायर्स पे। तो फ्रंट में आपको गाइस MRF का 110 सेक्शन का टायर मिल जाता है जो तो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का होता है। एंड गाइस, बात करें इनके ब्रेक्स की, तो यहाँ पे गाइस आपको मिल जाता है डुअल चैनल ABS वो भी WPA सस्पेंशन के साथ में। साइड लुक की बात करें तो यहाँ पे आपको RC 200 जो स्टिकिंग में देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, KTM जो आप देख रहे हैं ये आपको ग्राफिक्स में देखने को मिल जाता है साइड में, और जो कि इसके लुक को भी काफ़ी बेस्ट बनाता है। एंड अब आते हैं इसके इंजन पे, तो यहाँ पे इंजन आपको गाइस 200 CC का मिल जाता है, वो भी गाइस 27.5 PS पावर के साथ में, वो भी लिक्विड कूलिंग भी इसको साथ में आपको मिल जाती है इंजन में, जो कि काफ़ी बेस्ट भी है। एंड गाइस, अब बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट की, तो गाइस एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे नीचे साइड में दिया गया हुआ है इसमें, ये देखिए, ये रहा ये एग्जॉस्ट, ये देखिए। सो अब आते हैं इसके रियर टायर पे, तो गाइस रियर टायर में आपको 150 सेक्शन का टायर मिल जाता है, वो भी गाइस LED इंडिकेटर के साथ में। ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पर गाइस आपको बाइबरी कंपनी के ब्रेक कलिपर्स मिल जाते हैं।
इस बार गाइस, इस बार का जो ये मॉडल है न्यू मॉडल, इसका लाइट वेट होने की वजह से इस बार की जो परफॉर्मेंस है पिछली बार की देखते हुए काफी बेस्ट होगी पिछली बार से। देख नहीं गाइस, आपको यहाँ पे एलईडी टेल लाइट मिल जाती है देखने को, क्योंकि काफी जिसका लुक काफी बेस्ट दिया गया हुआ है। एंड इसी टेल लाइट के नीचे ही जस्ट आपको यहाँ पे स्टाइलिश एलईडी इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की, तो यहाँ पे गाइस आपको डुअल टोन में गाइस आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि काफी जबरदस्त लग रहा है। इसका कलर भी गाइस यहाँ पे गाइस आपको 13.7 लीटर कैपेसिटी मिल जाती है। एंड अब आते हैं गाइस इसके सेंटर कंसोल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर गाइस आपको हाई बीम ग्लोबिंग, पासिंग इंडिकेटर्स, ये सब हॉर्न, ये सब वगैरह मिल जाता है यहाँ पे आपको। अब आते हैं गाइस इसके कंसोल पर, तो गाइस यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। सो गाइस यहाँ पर साइड में आपको इंडिकेटर्स एंड अदर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर साइड में वार्निंग वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे आपको स्पीड मीटर, फ्यूल मीटर और टाइम के साथ में इन्फॉर्म, ये सब देखने को मिल जाता है। सो गाइस यही सब तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है कंसोल में। अब बात करते हैं गाइस इसके इग्निशन स्विच पर, तो आइए अब इग्निशन स्विच ऑन कर लेते हैं और आपको साउंड सुनाते हैं इसका। तो आइए सुनते हैं इसका साउंड। गाइस सीट की बात की जाए तो सीट में यहाँ पे गाइस आपको आरसी की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। एंड गाइस बात की जाए इसकी सीट की पुशिंग की, कुशन भी काफी ठीक है गाइस बाइक को देखते हुए। ये गाइस अब आप मुझको कमेंट में ये बताइएगा आपको इसका लुक कैसा लगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो गाइस मुझे तो काफी जबरदस्त लगा।